गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल. ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सेगर सर. जो आज एक केस शेयर कर रहा हूँ वो एक 28 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसकी अभी शादी हो रही है. तो उसको पिंपल्स है फेस पे, शोल्डर पे और बैक पे. 4 साल से उसको पिंपल्स है. उसने बहुत सारी दवा ली लेकिन पिंपल्स कम नहीं हो रहे थे. तो मैंने पूछा कि आपको इसके वजह से दिक्कत क्या होती है. तो बोला किसी के सामने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं जो जॉब करती हूँ वहाँ पे भी कुछ मीटिंग वगैरह है तो इम्पोर्टेंट है तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं जाने का अवॉइड करती हूँ. फिर मैंने पूछा कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्या है. तो बोला कि एक छोटा भाई है मेरा और एक बहन है, वो पढ़ाई कर रहे हैं. तो मैं 20 साल की उम्र से जॉब कर रही हूँ. मैं बीकॉम पढ़ी हूँ लेकिन अभी मार्केटिंग में जॉब कर रही हूँ. लास्ट 4 साल से मैंने जॉब चेंज किया है. पहले जो कंपनी थी वो मुझे प्रमोशन भी नहीं दे रही थी, पगार भी नहीं बढ़ा रही थी. तो अभी कंपनी मैंने चेंज करी हूँ. ये कंपनी मुझे पगार भी अच्छा देती है और मेरे को एक पोस्ट हायर करके दी है. लेकिन इसमें मुझे स्ट्रेस बहुत है. मेरे अंडर एटलीस्ट 140% काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से और उनकी सब जिम्मेदारी मुझ पर है. और जो भी काम मुझे देते हैं वो मुझे टाइम टू टाइम करके देना पड़ता है. और इनमें से किसी को कुछ तकलीफ है तो मुझे सॉल्व करके देना पड़ता है. और इसके ज़रिए मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है, वो भी सब मुझे देखना पड़ता है. लेकिन मैं इतना देखती हूँ कि जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो मैं चैन से नहीं बैठती हूँ. वो काम पूरा करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, दूसरा काम नहीं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट केस, प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज. थैंक यू. यहाँ पे जो फर्स्ट रूब्रिक मैंने कंसीडर किया था वो था कि वो बाहर जाने को अवॉइड करती थी. मीटिंग में अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो ही जाती थी. किसी के सामने जाने को भी उसको दिक्कत होती थी. तो दैट इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट. जो सेकंड रूब्रिक था कि घर की जिम्मेदारी उसको ज़्यादा थी, घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थी. एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन है, वो पढ़ाई कर रही है, इसके लिए 20 साल की उम्र से जॉब कर रही है. सेकेंड थिंग कि जो जॉब भी करती थी तो वो भी अच्छी तरह से निभाती थी. उसमें भी अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बराबर से करती थी, पूरा करती थी. तो सेकंड रूबरी जो कंसिडर किया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब पार्ट में दिखाई दे रही है एज वेल एज द फैमिली फ्रंट पे भी दिखाई दे रही है. जो थर्ड रूबरी था वो था कि वो उसको जॉब में जो जूना जॉब था उसमें उसको पगार बढ़ा नहीं रहे थे या उसको कुछ प्रमोशन भी नहीं दे रहे थे. वो प्रमोशन के लिए, पगार बढ़ाने के लिए उसने कंपनी भी चेंज करी. दैट मीन्स ये गर्ल जो है एम्बिशियस है. तो थर्ड रूब्रिक था एम्बिशन इंक्रीज्ड. अभी जैसा भी उसको एम्बिशन भी अचीव हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है तो उसका टेंशन भी बढ़ गया है. उसको सब चीज़ टाइम टाइम टू देना पड़ता था. तो यहाँ पे फोर्थ रूब्रिक आएगा एंग्जाइटी टाइम इज सेट एज इफ. एंग्जाइटी टाइम इज सेट इफ. और फिफ्थ रूब्रिक था जब तक वो सब काम पूरा नहीं करती थी वो चैन से बैठती नहीं थी. वो काम पूरा करके वो नेक्स्ट काम फिर आगे बढ़ाती थी. तो यहाँ पे रूब्रिक है रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस एंड द मेडिसिन गिवन वॉज लैक इक्वाइन. थैंक यू. My sincere gratitude to Dr. Mahesh Chandra sir to teach me this medicine. Thank you.